आप सबका शुक्र गुजार हूँ मैं कि आपने मुझे इधर अपनी बार में, अपनी पेरेंट बार में दोबारा से आने का मौका दिया। एक दफ़ा जब बंदा इधर से दूसरी साइड पे चला जाता है तो फिर आपके इनविटेशन का इंतज़ार होता है कि आप बुलाएं तो हम अपनी बार में वापस आएँ। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। दूसरी बात ये कि मैंने ये जब उन्होंने मुझसे कहा कि वर्ल्ड कंज्यूमर डे पे कंज्यूमर रिलेशंस से रिलेटेड सेमिनार है और इसमें आसिम नज़ीर साहब जो हैं वो एड्रेस करेंगे और उनके साथ जो है आसिफ अंसारी साहब भी इधर होंगे, तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा जी ये रिफ्रेशर का काम देगा, क्योंकि जो लोग मौके पे ग्राउंड पे डील कर रहे हैं, जो फर्स्ट इंस्टांस की है, असल चीज़ उनके सामने हो रही होती। जो हाई कोर्ट में जब अपील की स्टेज आती है तो वो आपके पास एक रिकॉर्ड तैयार होके आता है जिसको आपने देख के फैसला करना होता है, लेकिन जो ग्राउंड पे हो रही होती है वो लॉ बेसिकली डेवलप करता है कि जो जजमेंट वहाँ से लिखी आती है, जो ऑब्जर्वेशन वहाँ से आती है और जो एविडेंस वहाँ रिकॉर्ड हुई होती है वही आगे या केस को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाती है या नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाती है। मैं शुक्रगुजार हूँ नईम शाह साहब का। मैं जिस दिन बार में आया था उस दिन भी उन्होंने मुझे पहली दफ़ा जब मैं जूनियर लॉयर के तौर पर आया उसी तरह वेलकम किया था जिस तरह आज उन्होंने मुझे किया। वो मेरे बड़े भाई हैं, आई विल बी ऑलवेज वेरी ग्रेटफुल टू हिम। और मुझे वो जो मैं पहला दिन जब बार में आया था वो दिन उन्होंने आज याद करा दिया है, तो थैंक यू। आप में बहुत ढेर सारे मुझे सीनियर साहिबान भी नज़र आ रहे हैं जिनके सामने मैं यंग वकील इस बार में आया, और कुछ ऐसे साथी भी नज़र आ रहे हैं जो मेरे साथ और मेरे बाद भी इधर है और उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा रिलेशनशिप रहा है इस बार में। तो आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इधर आने का मौका दिया। जहाँ तक कंज्यूमर लॉ का तलक है तो इस्लाम ने तो ये लॉ पहले दिन से ही आपको दिया हुआ है कि जी पूरा तोलो, पूरा नापो और डिफेक्ट जो है वो पहले ही बता दो। ये लॉ जो है इसने आके उसको सिर्फ अब एप्लीकेशन या प्रोसीजर आगे प्रोवाइड किया है, और ज़्यादातर जिस तरह भी आपने सुना कि जी मोस्ट ऑफ द केसेस 6 महीने के अंदर फैसले हो रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो ये भी बड़ी अच्छी काविश है कंज्यूमर कोर्ट्स की कि वो आगे इसको लेके जा रहे हैं। चंद ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो केस टू केस वेरी करती हैं, मतलब एक ही तरह के केस के फैक्ट्स में अगर डिफेक्टिव पीस है, जिस तरह ये कह रहे हैं कोई डिफेक्ट है तो अपनी जगह है, एक मिसयूज़ भी जिस तरह आप कह सकते हैं कि अगर कोई चीज़ होती है तो वो भी तंग करती है, तो वो अब ये अदालतों का काम है कि एविडेंस से निकालें कि जो डिफेक्ट की वजह से कोई ये मसला पेश आया है कि मिसयूज़ की वजह से पेश आया, तो वो वहाँ एविडेंस का मामला आता है और वहाँ पे वकील का स्किल आता है। तो ये जो प्रोसीजर्स आपके सामने सारे आए हैं, स्किल फिर भी एंड में वकील का ही है, तो उस हद तक आप सब का रोल बीच में आता है। जहाँ तक भी हमारे एक दोस्त ने पूछा कि जी वकीलों के खिलाफ भी कंप्लेंट आती है, तो आसिफ नज़ीर साहब ने अच्छा जवाब दिया है कि वकीलों के खिलाफ कंप्लेंट नहीं आती है। सारे ज़्यादातर कंप्लेंट लाने वाले मेजॉरिटी वकील हैं, पर वकीलों के खिलाफ कंप्लेंट नहीं आती, मैं जवाब सुन के खुश हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत मशकूर हूँ, इस खास तौर पर जो इस बार के अहदेदार हैं, क्योंकि मैं जब पहली दफ़ा इलेक्ट होकर बतौर फाइनेंस सेक्रेटरी हाईकोर्ट में गया तो मुझे एक साहब ने, सीनियर वकील साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी ये जो आपकी बोर्ड में नाम लिखा जाता है ना, ये आपकी ACR बन जाती है अगले साल। पहले साल आप बहुत खुश खुश बताते हैं कि जी मेरा नाम बोर्ड पर लिखा हुआ है, अगले साल ये आपकी ACR होती है। अगले साल वाले या तो उसको कहते हैं ये अच्छी ACR है या कहते हैं बुरी ACR है, और वही आपके आइंदा के कंडक्ट के लिए आप दोबारा जब बार को अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो अच्छा किया होगा तो अच्छे लफ्ज़ में याद करेंगे, बुरा किया होगा तो वो बुरे लफ्ज़ में इस्तेमाल करेंगे। तो ये ACR है, इस ACR से जो है आपने कोशिश करनी है कि साल के बाद ACR अच्छी हो। क्योंकि जब मैं नया फाइनेंस सेक्रेटरी बन के गया तो एक दिन हाईकोर्ट बार में एक यंग वकील आए मेरे पास, तो उन्होंने कहा कि जी आप बार का जो मेन हॉल है उसको खुलवा सकते हैं। मैंने अंदर जाके अपनी फैमिली को दिखाना है कि मेरे जो नाना थे उस बार के अहदेदार रहे हुए हैं, तो मैंने उधर अपने जो बार का वो जो इंचार्ज होता है उसको बुलाया, मैंने कहा यार इनको वो खोल के दिखाओ। और मेरे जब मैंने ये देखा कि वो अपनी फैमिली को दिखा के कि जी मेरे वालिद का नाम इधर लिखा हुआ है बोर्ड पे, और उसको जो खुशी थी वो देख के मुझे उस चीज़ का और एहसास हुआ कि ये वाकई ये ACR है, वो जो दिखाने आ रहा है वो अच्छी ACR के लिए दिखाने आ रहा है। अगर
अच्छा नाम ना होता तो शायद वो कोई नाम देखने भी ना आता। तो मुझे सीनियर्स ने सब यही बताया कि ये साल तो गुजर जाएगा और शायद जिस वक्त हम इलेक्ट होके आते हैं अगले दिन से ही जो अगले साल के उम्मीदवार होते हैं वो वोट मांग रहे होते हैं, बेशक इतना फ्रीक्वेंटली नहीं मांग रहे होते पर वो वोट मांगना शुरू कर देते हैं। तो होपफुली जो खबरें मेरे पास आती हैं, भारतीय उद्योगदारान ने बहुत अच्छा टाइम गुजारा और बहुत अच्छे तरीके से सेमिनार होल्ड किए और यही बार का काम है। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ और बहुत इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू।